अवैसी साहेबांना धन्यवाद देतो की त्यांनी मला ही संधी दिली की औरंगाबाद शहरातून मला तिकीट देऊन खासदारकीचा निवडणूक लढण्यासाठी त्यांना मला ही संधी दिलेली आहे। मी इतके दिवस खूप कॅम्पेनिंग करत आहे, प्रचार करत आहे। सकाळी 7 वाजेपासून ते रात्री 3 वाजेपर्यंत 4 वाजेपर्यंत मी लोकांमध्ये जातो आणि फक्त त्यांना हे विनंती करतो की आज एक संधी आपल्याला मिळालेली आहे। जसं मोरे साहेबांनी सांगितलेले आहे की अभी नहीं तो कभी नहीं, हे खरी गोष्ट आहे की मागच्या 70 वर्षापासून आपण आपलं काम काय होतं, मग आपलं काम हेच होतं की आपण दुसऱ्यांना मत द्यायचं आणि आपल्या जीवनात काही बदल झाला नाही। याचं कारण हे आहे की जेव्हा जेव्हा निवडणूक आली आणि विशेष कर औरंगाबाद शहरामध्ये जेव्हा जेव्हा निवडणूक आली तर निवडणूक कोणत्या मुद्द्यावर झाली तर चांगल्या रस्त्यासाठी नाही झाली। आपल्याला पाणी मिळतं नाही मिळतं, किती दिवसानंतर मिळतं पाणी, या मुद्द्यावर नाही झाली। आज औरंगाबाद मध्ये कचऱ्याचा एक गंभीर प्रश्न, या मुद्द्यावर कधीही इलेक्शन लढवले गेले नाही। इलेक्शन जेव्हा जेव्हा येतं तर फक्त 4 असे मुद्दे आहे जे मागच्या 20 वर्षापासून आपण तेच ते मुद्दे घेऊन इलेक्शन लढत आहे आणि जे शिवसेना मागच्या 20 वर्षापासून इथून इलेक्शन जिंकत आहे त्याचं कारणच हे आहे की 20 वर्षा त्यांचे 4 मुद्दे जे होते, निवडणूक आली तर हे हिंदू हे मुसलमान, हे मुसलमान हे हिंदू, हे दलित हे मराठा, हेच काम करायचं। नंतर दुसरा मुद्दा काय आहे तर मंदिर मस्जिद असा वाद निर्माण करायचा कुठेतरी। तिसरा मुद्दा काय आहे तर औरंगाबाद पाहिजे का संभाजीनगर पाहिजे। आणि चौथा मुद्दा जे आहे जे लोकांमध्ये भीती निर्माण करायची की तुम्हाला खान पाहिजे का बाण पाहिजे। आता 20 वर्ष झालेले आहे, आता तुम्ही ताकदीने बोला बाणला आम्ही 20 वर्ष दिले आता खान पाहिजे। मैं यहां पर आप लोगों को सिर्फ इतना बताने के लिए आया हूं कि मैं कल शोलापुर गया था बाड़ा साहब अंबेडकर जी के प्रचार के लिए और वहां पर बाड़ा साहब के लिए जो वंचित बहुजन हो, भारिप हो और MIM की भी शोलापुर में बहुत बड़ी ताकत है। हम वहां पर जब विधानसभा का इलेक्शन लड़े थे तो हम महज चंद ही वोटों से हम वहां पे हारे थे। हमारे कई कॉरपोरेटर्स है, पूरी MIM की ताकत आज बाड़ा साहब अंबेडकर के साथ खड़ी हुई है वहां पर। बाड़ा साहब जिस दिन फॉर्म भरने के लिए गए थे उसी दिन उन्होंने ये पूरे देश को बता दिया था कि अब ये इलेक्शन होने वाला नहीं क्योंकि फॉर्म भरने के बाद ही बाड़ा साहब जीत चुके हैं। अब जो मेहनत हो रही है वो इस बात की मेहनत हो रही है कि महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा लीड से अगर कोई चुनकर आना तो वो हमारे माननीय बाड़ा साहब अंबेडकर जी चुनकर आना, इसके लिए हमारी कोशिश जारी है। मैं आप लोगों को ये बताने के लिए आया हूं कि अगर आप मुझे मत देंगे, अगर आप मुझे वोट देंगे तो ये वोट मुझे खासदार तो बना देगा औरंगाबाद शहर का, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण और अहम बात यह है कि एक खासदार जब वंचित बहुजन का बनेगा या MIM का बनेगा तो उसकी पूरी ताकत बाड़ा साहब को मिलने वाली है। अगर हम यहां पर ताकतवर होंगे तो बाड़ा साहब वहां पर ताकतवर होंगे, उनकी आवाज बुलंद होगी और वही कोशिश में हम लगे हुए हैं। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आज 11 तारीख है, MIM के प्रमुख हमारे पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का आज हैदराबाद में इलेक्शन है, वो खुद चुनाव लड़ रहे खासदार की का। एक रात पहले जब इतनी गतिविधियां होती है, एक रात पहले सब कुछ खेल खेले जाते हैं, वो एक रात पहले एक दिन पहले असद साहब हैदराबाद में नहीं रहते हैं, वो हैदराबाद से गाड़ी लेकर शोलापुर की तरफ निकलते हैं सिर्फ और सिर्फ बाड़ा साहब का प्रचार करने के लिए कि उनकी प्रचार सभा में मैं जा सकूं।
ये शायद ही पूरे भारत देश के अंदर ऐसा कोई उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि एक विधानसभा का चुनाव हो, महानगर पालिका का हो या जिला परिषद का हो, छोटे से छोटा भी अगर चुनाव हो, वो दूसरे दिन अगर चुनाव है तो कैंडिडेट सोच